वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल एक्सरसाइज गुरु में आपका स्वागत है। राहु केतु भगवान नौ ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और इसका जो गोचर जो है 30 अक्टूबर को 2023 को हो रहा है 18 महीने के लिए। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर जो है लंबे समय तक होता है। तीन ही ग्रह हैं जिनका गोचर लंबा होता है। पहला है शनि का जो ढाई साल का होता है, उसके बाद 18 महीने का, डेढ़ साल का होता है राहु और केतु का, और उसके बाद गुरु भगवान का 13 महीने का होता है। बाकी अन्य ग्रह जो है वो कोई 45 दिन का, एक महीने का, और चंद्रमा भगवान का ढाई दिन का होता है। तो राहु केतु के गोचर का आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ, पूरे 12 राशियों पर क्या इसका असर होगा, क्योंकि ये 18 महीने के लिए एक बहुत बड़ी जो है एक घटना है जो कि सब 12 राशियों पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे मेष राशि पे। सबसे पहले राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है ये मेष राशि से हटके ये मीन राशि पे आएगा। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा वक्री अवस्था में चलते हैं, मतलब उल्टी चाल लेते हैं, क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये नौ ग्रहों के बारे में डिस्कस करने से पहले राहु केतु क्या हैं इसके बारे में थोड़ा मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए आपकी। सब जानते हैं समुद्र मंथन की कथा, जिसमें देवताओं असुरों के बीच में अमृत पान के लिए एक भयंकर संग्राम हुआ था जो कई हजारों वर्षों तक चले थे, और उसमें फिर अल्टीमेटली जो देवताओं की जीत हुई थी। और उसमें क्या हुआ था कि विष्णु भगवान ने जो मोहिनी स्वरूप लिया और जो है मोहिनी स्वरूप से जो है सबको, सभी देवताओं को जो अमृत का पान करवाया, मगर उसी में क्या हुआ कि स्वर भानु व्यक्ति जो कि असुर थे वो जो है देवताओं की पंक्ति में आ गए और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके खड़े हो गए, और उनको वो अमृत की बूंद बहुत जल्दी, मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में उनकी वो अमृत का बूंद वो चख पाए। और जब तक सूर्य और चंद्रमा ने ये देख लिया और उसको विष्णु जी को बताया, तो विष्णु जी का सुदर्शन चक्र चला, मगर सिंस उन्होंने ऑलरेडी अमृत चख लिया था तो उनका राहु का जो है सर कट गया और केतु का वो है। तो इसलिए राहु भगवान को नॉर्थ का गला सिर कहा, यहाँ का पोर्शन जो है राहु का कहलाता है, इधर से नीचे का पोर्शन केतु का कहलाता है। तो ऐसे में राहु केतु की जो दृष्टियाँ, राहु की अपनी कोई अपनी ओन राशि नहीं होती है, वो जिस भी राशि में वो का गोचर होता है उसी ग्रह की उसकी फीचर्स आ जाती हैं। तो ऐसे में आज हम मेष राशि पे डिस्कस करते हैं। इसका पहला जो अप्रैल 2022 को मेष राशि में आए थे, लगन भाव में मेष राशि में आए और सातवां भाव केतु भगवान आए थे। जिस समय से अभी पिछले 18 महीने में जो हमारे ये जो गोचर हुआ है, इसमें मेष राशि वालों को आप जान सकते हैं, जो मेष राशि वाले हैं या मेष लगन वाले भी हैं, मेष लगन से देखा जाएगा तो 70% एक्यूरेसी आएगी, और अगर मेष राशि से देखा जाएगा तो नियर अबाउट 30-40% एक्यूरेसी आएगी। तो मेष राशि वालों को एक आप समझ सकते हैं कि एक तरह का उनके सारा मानसिक टेंशन, उनके रिलेशनशिप्स में बड़ी जबरदस्त दिक्कत, उनके शक्ति जो जैसे कहती ना शक्ति, एक तरह की शक्तिहीन हो गए थे वो, और उनको ऐसा लग गया था कि उनकी अपनी जो भी कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर आ गई थी, उनके कोई भी काम बन नहीं रही थी, क्योंकि लगन का राहु जो है और साथ में उसकी दृष्टि सातवें भाव पर, रिलेशनशिप भाव पर, पार्टनरशिप भाव पर केतु का गोचर, ये बड़ा डेजली कॉम्बिनेशन था, ये अग्नि और घी का कॉम्बिनेशन था। ऐसे में इनको बहुत ज़्यादा हेल्थ की इशूज आई हैं, इनके काम धंधे में दिक्कत आई है, इनके सारे जितने भी फॉरेन में सेटल होना चाह रहे थे, खूब सारा पैसा लगाया मगर कोई रिजल्ट नहीं आया, इनका खूब सारे एक्सपेंसेस बनते रहे मगर इनको कोई रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया,
साथ ही में इसमें एक और ये दृष्टि ये रही कि अभी इनको अप्रैल से, इसी अप्रैल से गुरु भगवान भी मेष राशि में आने से गुरु चंडाल योग बन गया, और गुरु चंडाल योग बनने के कारण जो है और ज़्यादा इनकी 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 परेशानियां में और दिक्कतें आई हैं। तो ऐसे में ये 18 महीने का जो राहु और केतु का जो गोचर मेष राशि पे रहा है, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है तकलीफ दे रहा है। और अब जो है इसमें ये हम कह सकते हैं इनके लिए जो है अब एक शांति का समय, एक इनके लिए चेंज का समय आ गया है। 30 अक्टूबर को मेष राशि में, मेष राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे राहु भगवान, और जो केतु भगवान है, केतु भगवान वो जो है छठे भाव, छठा भाव आप जानते हैं, छठे भाव पर गोचर करेगा। छठा भाव जो है बेसिकली ऋण, रोग और शत्रु का है। आपकी इस भाव पर भी जो है केतु का गोचर अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बेसिकली राहु के क्या इस गोचर के फल आएंगे इस पर हम डिस्कस करेंगे। आप ये समझ सकते हैं कि राहु और केतु के गोचर के चेंज होने के बाद ऐसा मान सकते हैं कि 100 किलो का पत्थर जो है इनके इनके सिर में से ऐसा रखा था कि बोझ रखा हुआ है, वो उठा के बाहर फेंका गया है। और पांव केतु रिप्रेजेंट कर रहा था, केतु के पांव, केतु के इतने आपकी बेड़ियां ऐसी थी कि आप ना इधर हिल पा रहे थे ना उधर हिल पा रहे थे, और आप बीच में स्टकअप हो गए थे, ऐसे इनकी एक फीलिंग आ गई थी मेष राशि वालों के लिए। साथ ही अब जो है ये 12वें भाव पे गया है। 12वां भाव बेसिकली बेसिक क्या है, खर्चों का भाव है। मगर इसमें क्या है कि राहु जहाँ पे भी रहता है तो उसी ग्रह की फीचर्स और उसी ग्रहों के फल अनुसार वो लाभ देता है। तो ऐसे में 12वां राशि मीन राशि का स्वामी गुरु है तो वो गुरु के अनुरूप ही फल देगा। अगर 12वें राशि पे आपके खर्चे हो रहे हैं तो पहले अगर 10 रुपये खर्चा हो रहा था तो अब आपको खर्चे, आपको 10 रुपये खर्चे हो रहे थे तो इनकम आपकी 6 रुपये थी, अब आपके खर्चे 10 रुपये हैं तो इनकम 20 रुपये होंगी। सेविंग जरूर होंगी मगर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसमें अब हम जो है इसमें ये हम कह सकते हैं कि जो राहु भगवान की जो दृष्टियां हैं, एक तो 4th हाउस पर है, 4th भाव पे, 6th भाव पर, 8वें भाव पे, तो इन सारी दृष्टियों का क्या फल रहेगा। एक तो ये है कि आप ये सकते हैं कि आपको अकस्मात सडन बेनिफिट, कोई लाभ प्रॉपर्टी का, कोई लाभ आपको ऑफिस का, या कोई भी इस किस्म की जो भी गेन्स हैं, क्योंकि ये 12वां भाव जो है फॉरेन से भी संबंधित है। तो आपको जो लोग फॉरेन से संबंधित है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो यूट्यूबर्स हैं या जो फॉरेन से कोई संबंध ले है, उनका फॉरेन से कोई शेयर मार्केट डीलिंग है, इनको अकस्मात मोटे पैसे की लाभ की स्थिति बन रही है। क्योंकि इसमें क्या है कि राहु भगवान, भगवान जुपिटर गुरु भगवान के कमांड्स को फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से भी फल देंगे। गुरु भगवान स्वयं पहले लगन भाव में बैठे हैं और उसकी दृष्टियां भी बड़ी अच्छी हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं, तो दोनों तरफ से आपको लाभ रहेगा। और साथ में ये भी रहेगा कि 8वां भाव जो है जिस पे राहु का तो दृष्टि है, उसमें कष्ट जो हुए हैं आपको, कोई भी गवर्नमेंट से संबंध दिए हैं या कोई भी आपको जो टेक्निकल लीगल इश्यूज जो हैं, उसमें भी आपको काफ़ी जो है अच्छा फल मिलेगा। अब केतु भगवान जो है, केतु भगवान 6ठे भाव पे आएंगे तो आपके रोग ऋण शत्रुओं को नष्ट कर देंगे, आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं उनका नाश होगा और आपके नए जो है अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज भी बनेंगे। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि ये जो राहु और केतु का जो ये गोचर हुआ है अब 18 महीने के लिए, इसमें आप देखेंगे आपके आपके लिए एक बहुत ही शानदार गोल्डन टाइम है। साथ ही इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होंगे, तो आप एक्सपेंडिचर पर ध्यान रखें, नो डाउट खर्च आपको इनकम भी होगी। इसमें आपके 4th हाउस पर दृष्टि होगी, माता का हेल्थ खराब हो सकता है, माता से या फैमिली अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, प्रॉपर्टी के इश्यूज हो सकते हैं। देखिए राहु भगवान काल्पनिक स्थिति बहुत बना देते हैं और आपको झूठी किस्म की कहानियां भी बना सकते हैं, उसमें आप रियलिस्टिक रहें और आप अपने गोल्स जो हैं प्रॉपर बनाएं। और साथ में आप ड्राइविंग के समय आप ध्यान रखें, आप जो है उसको प्रॉपर वे में चलाएं, क्योंकि
मंगल की आपकी प्रधानता ज़्यादा है मेष राशि पे, तो ऐसे में आपको ड्राइविंग पे ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। देखिए राहु बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और का को डिनोट करता है, तो आपके घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बिजली के उपकरण, उनको ठीक कंडीशन में रखें। आपकी घड़ियाँ ठीक कंडीशन में होनी चाहिए, चलते हुए होने चाहिए, और आपके घर में कोई भी किस्म के जाले, इस किस्म के जो भी, जो अलमारी के ऊपर जो भी गंदगी कूड़ा नहीं होना चाहिए, पंखे जो हैं चमकने चाहिए, ये राहु को डिनोट करता है। हम आपको अब उपायों पे आ रहे हैं कि जिनको राहु और केतु इंपॉर्टेंस बनाने के लिए, सबसे पहले राहु का जाप करें, राहु का मंत्र जाप करें, ओम राम राहवे नमः इसका 108 बार करें। राहु के साथ साथ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाई नमः का 108 बार जाप करें, या दुर्गा चालीसा पाठ का पाठ करें। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको हम टिप ये भी दे रहे हैं कि आप जो है भगवान विष्णु के अवतार वराह अवतार, वराह कवच या वराह का 108 नाम भी जरूर करें। इससे राहु और केतु का आपको फल बहुत ही शानदार मिलेगा। राहु आप पे कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे। आप कुत्तों की सेवा करें, साथ ही आप जो है चींटियों को आटा और चीनी मिक्स कर जरूर उनको भोजन दें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ रहेगा। मैं आशा करता हूँ राहु केतु का मेष राशि पे गोचर जो है मेष राशि वालों को शुभ रहेगा। ये उपाय जरूर करें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य जानकारी के लिए 8010001346 पे अधिक जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको आपसे अगले वीडियो में फिर मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।